हमारे साथ राकेश पोद्दार हैं, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता। जना इन्हीं से जान लेते हैं कि राम और कृष्ण, क्योंकि शब्दों का जो ये खेल है, शायद उस मंच से बताने की कोशिश की थी सम्राट चौधरी ने कि भाई हम दोनों हैं। तो राम तो जो हैं उन्होंने सत्ता छोड़ दिया था पिता के लिए, लेकिन कृष्ण ने पुत्र को कहीं सत्ता दिला दी थी जहां नाइंसाफी हुई थी। पोद्दार जी, कौन है कृष्ण? देखिए, राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे और उनकी जो अनुयायी हम लोग भी हैं, और कृष्ण जी जो हैं उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया था किस रास्ते से हम लोग धर्म की विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर जो 22 जनवरी को हम लोग बना रहे हैं। मैं सत्ता के बात पे। देखिए, धर्म और सत्ता में बहुत फर्क होता है। धर्म के साथ भी सत्ता चलती है, लेकिन जब भी धर्म की बात आती है, धर्म के साथ सत्ता को आप लोग जोड़ते हैं। देखिए, धर्म और सत्ता के साथ जोड़ नहीं रहे हैं। अगर धर्म नहीं रहेगा तो सत्ता नहीं रहेगा, सत्ता रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा। अगर जो मानव है, मानव का कैसे विकास हो, उसके उत्थान के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। रहा धर्म, अगर धर्म हमारा जो जिस धर्म से हम आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है, वो अपने धर्म में कहीं ना कहीं परिपक्व रहना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि धर्म की भी जरूरत है और सत्ता की भी जरूरत है, और सत्ता से रास्ता दिखाया जाता है मानव को, सत्ता से जनता का विकास किया जाता है। इसलिए हम लोग सत्ता का भी भागीदारी समझते हैं और धर्म की भी भागीदारी करते हैं। आपने कहा कि सत्ता से रास्ता दिखाया जाता है मानव को। 15 साल लालू ने राज्य किया, क्या सत्ता का रास्ता दिखाया? देखिए, इस बात को आप लालू जी से पूछ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं पूछ सकते हैं। रहा आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस बात की है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी 1990 में से लेकर जब तक वो रहे, जब जेल जाने की बारी आई तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि महिला उनको और नहीं मिली थी पढ़ी लिखी यादव में। फिर उसके बाद आज बिहार की उनकी जनगणना के अनुसार 14% जनगणना के अनुसार उनको यादव समुदाय के हैं, लेकिन फिर भी उनके परिवार से ही ज़्यादा क्यों, 7 लोग उनके परिवार से आज हैं। आज रामकृपाल यादव जी आज हमारे साथ आए, क्यों आए? मीसा भारती राज्यसभा थी तो उनको भी लोकसभा लड़वा दिया गया पाटलिपुत्रा से। कहीं ना कहीं ये परिवार रामकृपाल यादव को लालू से बेहतर कोई नहीं जानता हो। देखिए, रामकृपाल जी और लालू जी से बेहतर जानता है, लेकिन जब जनता की सेवा करने का मौका मिला रामकृपाल जी को, तो उनको अपनी बेटी को आगे कर दिया। तो आज रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, नवल किशोर यादव हमारे साथ हैं, नंद किशोर यादव हमारे साथ हैं, तो सभी लोग माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पूरा बिहार बदल रहा है। और यदुवंशी माननीय सम्राट चौधरी जी को कहीं ना कहीं नेता मानते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मिस्टर पोद्दार ने ये कही है कि हम धर्म और राजनीति दोनों को साथ लेकर चलते हैं। अब देखना है कि जब 2025 का चुनाव होगा, उस समय ये धर्म और राजनीति का जो कॉम्बिनेशन है, जो मिश्रण है, कहाँ खड़ा होता है, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।